हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 विंस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कंटिन्यूअसली दोस्तों कि यार सर 7th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, तो बेसिकली हम आपको बता दें कि हम हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, इसके लिए आपका ये ज्योग्राफी जो है नहीं बन पा रहा था। लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपके राहुल सर को सब याद रहता है। तो आपके राहुल सर आपके लिए लेकर आ गए हैं 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी का 1 मोर न्यू चैप्टर, जिसका नाम है हवा। हवा है ना, विंड मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, तो हवा जो होता है, विंड जो होता है, आप सब जानते हैं कि हमारे पूरा अर्थ के ऊपर हवा फ्लो होता है। इट इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। तो सॉलिड लिक्विड अलग निकाल लो और गैस को कंसिडर करेंगे, तो गैस इज नथिंग बट वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैस इज एयर, जो कि हम लोग विंड भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो हवा जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से फ्लो होता है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है जो हवा बहती है। ठीक है ना, अगर हम अर्थ का कंसिडर करें लेयर के हिसाब से, अगर हम बात करें हमारे अर्थ में ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा अर्थ मेरा थोड़ा सा चपटा बन रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा गोल बनाने का ट्राई करना, क्योंकि मेरा तो हाथ से बना रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा गोल नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग का गोल बनेगा। तो बेसिकली आप जानते हो कि हमारे अर्थ का क्या होता है, एक बीच का पार्ट होता है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री पे होता है। वैसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे समझ लो 25 डिग्री हो गया, यहाँ पे समझ लो 35 डिग्री हो गया, इस प्रकार यहाँ तक जाता है तो 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है ना, 35 डिग्री, फिर आप 65 डिग्री समझ लो, 75 समझ लो, फिर ना 85 समझ लो, इस प्रकार से। और ये जो होता है 90 डिग्री होता है, और ये जो पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। आप सभी जानते हैं ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। ठीक है ना, नीचे साउथ पोल होता है, उसी प्रकार नीचे भी सेम 25 डिग्री, फिर नीचे 35 डिग्री, फिर ऐसा ही लाइक 45, 55, 65। तो मैं ऐसा थोड़ा बहुत लिख रहा हूं आपके लिए, मेन यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये जो चीजें होती है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये आपको दर्शाता है कि हमारे अर्थ के ऊपर या फिर अर्थ के अंदर अगर हम बात करें, जो हवा होती है वो अलग अलग एंगल्स के हिसाब से भी फ्लो होती है। ये जो हमने आपको ड्रॉ किया, ये जो एंगल लिखा हुआ है, ये जो डिग्री लिखा हुआ है, माफ करना एंगल नहीं, माफ करना डिग्री लिखा हुआ है, ये जो डिग्री लिखा हुआ है ये क्या है, इट इज नथिंग बट लैटिट्यूड्स। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि ये जो लाइन्स होते हैं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लाइन्स को ड्रॉ कर दूं तो ये क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स ही होते हैं ना। ये हमारा क्या है, बीच वाला पार्ट, ये पूरा इक्वेटर है, और इसके जो लाइंस, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, दैट इज लैटिट्यूड्स। और वही अगर मैं सीधा सीधा लाइन खींच दूं इसके अंदर तो बन जाएंगे लॉन्जिट्यूड्स, लेकिन लॉन्जिट्यूड्स की बात नहीं कर रहे हम, लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमने देखा है कि एयर प्रेशर जो होता है ये पूरे के पूरे अर्थ सर्फेस पे यूनिफॉर्म नहीं होता, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। एयर जो होता है, हवा जो होता है, एयर इज नॉट यूनिफॉर्म एनी वेयर, हर जगह आपको हवा जो है अलग अलग देखने मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने शहर में रहते होंगे या फिर गांव में रहते होंगे, वहां पे जो हवा चलती होगी वो थोड़ी सी अलग चलती होगी। आप वही माउंटेन प्लेस पे चले जाओ यानी पहाड़ी इलाके पे चले जाओ, तो वहां पे जो हवा फ्लो होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से फ्लो होगी। वही आप कहीं समुद्र के किनारे, सी साइड जिसको बीच बोलते हैं ना, वहां पे चले जाओ, वहां पे जो आपको हवा जो चलने दिखेगी वो थोड़ी सी अलग देखने मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जो हवा है वो अलग अलग तरीके से फ्लो होता है। हवा जो होता है, इट इज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, यानी कि जहां पे हाई प्रेशर होता है, जिस एरिया में हवा का हाई प्रेशर होता है, वहां से हवा फ्लो होता है कहां तक, लो प्रेशर एरिया तक। ऑब्वियसली कोई भी चीज हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जो है वो फ्लो होता है हवा। ठीक है, तो समझ लो कहां पे हाई प्रेशर जनरेट हो गया, हवा का एकदम हाई प्रेशर जनरेट हो गया, और इधर पे बहुत लो प्रेशर है, तो हवा क्या करेगा, हाई प्रेशर से फ्लो होते होते बहते बहते आएगा, हवा फ्लो होते होते आएगा और कहां पे जाएगा, जहां पे लो प्रेशर एरिया रहेगा। वैसे ही सेम पहाड़ी इलाके से वो डाउनवर्ड एरिया में फ्लो होता है, सी शोर से कहीं विलेज साइड फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है ये चीज कि द एयर, द विंड, द एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर एरिया टू द लोअर प्रेशर एरिया ऑफ द एयर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में हम लोग जो बोल सकते हैं ना कि जो मूवमेंट होता है हवा का, वो अकॉर्डिंगली चेंज भी होता रहता है, सीजनल भी होता है और अकॉर्डिंगली चेंज भी होता है। और जो डिफरेंस होता है ना एयर प्रेशर का, नॉर्मली अगर बात करें, वही डिसाइड करता है वेलोसिटी ऑफ द विंड। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि जो हवा होता है, जो विंड होता है, उसकी भी एक क्या होती है दोस्तों, वेलोसिटी होती है, यानी कि एक स्पीड होती है। क्योंकि हवा एक स्पीड से फ्लो होता है, आपने देखा होगा कभी एकदम हवा का स्पीड एकदम धीरे होता है, ऐसा लगता है यार काश थोड़ा हवा आ जाए, यार गर्मी लग रही है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। और कभी हवा इतनी जोर से बहती है, ऐसा लगता है यार हवा रुक जाने तो हमको उड़ा के लेके जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब क्या, आपको पता चला कि जो हवा होती है, विंड जो होती है, उसकी स्पीड फ्लक्चुएट होती रहती है। एंड इसके पीछे जो मुख्य कारण होता है, जो मेन कारण है हवा के फ्लो होने का या फिर हवा के
वेलोसिटी को चेंज होने का, जो स्पीड जो हवा का चेंज हो रहा है वो किसके वजह से चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर डिफरेंस, यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है उसके वजह से क्रिएट होता है। तो जनरली क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है, जो प्रेशर डिफरेंस है अगर कम रहेगा, अगर हवा का जो प्रेशर डिफरेंस है लेस एयर प्रेशर डिफरेंस रहेगा, लिख देता हूं यहाँ पे मैं, लेस एयर प्रेशर डिफरेंस अगर रहेगा, तो समझ जाना कि लेस एयर प्रेशर डिफरेंस के वजह से जो हवा फ्लो होता है वो लेस स्पीड से फ्लो होता है। यानी कि अगर एयर प्रेशर कम है, एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कम है, तो स्पीड भी क्या रहेगी, हवा की कम रहेगी। वही अगर मोर हो गया, एयर का प्रेशर जो हो गया वो ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होने के वजह से जो स्पीड हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मोर स्पीड हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि अगर हवा का प्रेशर डिफरेंस कम है, लेस एयर डिफरेंस, तो लेस स्पीड रहेगा, मोर एयर डिफरेंस तो मोर स्पीड रहेगा। ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेना, याद रख लेना है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और जो हवा की वेलोसिटी होती है ना, ये जो विंड की वेलोसिटी होती है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूजुअली यूज करते हैं क्नॉट को, KNOT क्नॉट। ये क्या होता है, एक तरीका होता है, क्नॉट इट इज नथिंग बट यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कितना दूर है, डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में मापते हैं कि यहां से वहां इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां से वहां इतने मीटर का डिस्टेंस है। वैसे ही हवा का जो वेलोसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए क्नॉट यूज करते हैं, या फिर सिंपली अगर मैं बात करूं किलोमीटर पर आवर, या फिर आपको नहीं समझ रहा है क्नॉट, क्नॉट याद रखना है, किलोमीटर पर आवर इसका मीनिंग होता है, किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट द क्नॉट। यानी कि समझ लो कि हवा फ्लो हो रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा जो है फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 50 क्नॉट की स्पीड से जा रहा है, 50 क्नॉट मतलब किलोमीटर पर आवर, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम पूरा का पूरा अर्थ को कंसिडर अगर हम करते हैं, तो हमें एक चीज पता चल जाता है कि जो डायरेक्शन है विंड का वो हमेशा रोटेशन ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ जिस हिसाब से रोटेट होता है, ऑब्वियसली आप जानते हो ना, हमारा अर्थ खुद भी रोटेट होता है और वो रिवॉल्व भी होता है, ठीक है? तो अर्थ रोटेट हो रहा है, ठीक है, अर्थ जो है रोटेट हो रहा है, सन के चक्कर काट रहा है और खुद भी घूम रहा है गोल 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 गोल, तो कहीं ना कहीं रोटेशन और रिवॉल्यूशन के वजह से भी जो हवा है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्थ पोल की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये यहां से इक्वेटर से ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, आधा, तो ये जो आधा हिस्सा है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये जो नीचे वाला आधा हिस्सा है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे जो विंड होते हैं ना वो राइट की तरफ थोड़ा डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ जो हवा रहेंगे वो इस तरफ फ्लो होंगे, राइट की तरफ फ्लो होंगे, इस प्रकार से आपको फ्लो होते हुए नजर आएंगे। वही जो साउदर्न हेमिस्फीयर है तो आप देखोगे तो थोड़ा सा हवा जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं इस प्रकार से, यानी कि इस तरह हवा जो है फ्लो होते हैं, यानी कि जो हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ है उसके वजह से जो हमारा नॉर्थ साइड के जो कंट्रीज होंगे वहां पे जो हवा आएंगे वो थोड़ा सा राइट की तरफ से आएंगे, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहेंगे। आप दिख रहा है एरो मैंने मार्क किया है, वही आप साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हो, यानी कि अर्थ के ये जो हाफ पोर्शन है इसके नीचे वाले में अगर आपका कंट्री आता है, जैसे कि हमारा लगभग इंडिया जो हो गया वो तो चलो उसके नीचे आ जाता है, फिर ब्राजील वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, साउथ पार्ट, साउथ इसमें हो गया, तो ये जो इलाका है, ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे जो विंड का डायरेक्शन है वो तो लेफ्ट की तरफ फ्लो होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, ये सब चीज ध्यान में रखना है। और रोटेशन आप जानते हो ना, हमारा अर्थ कैसे घूमता है, हमारा अर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूमता है, इसीलिए हमें सन ईस्ट से वेस्ट डूबता हुआ दिखाई देता है। अगर हम खड़े हैं, हमारा अर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट घूम रहा है, तभी तो हमें सन जो है ईस्ट से वेस्ट दिखाई देगा, समझ में आ रहा है? तो हमारा अर्थ कैसे घूमता है, वेस्ट से लेके ईस्ट से ऐसा घूमता है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूमता है, ये चीज ध्यान में रखना। लोग गलतियां करते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि बता बेटा बताओ अर्थ का घूमने का डायरेक्शन क्या है, रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, वो बोलते हैं सर ईस्ट से वेस्ट। अरे ईस्ट से वेस्ट नहीं बाबा, वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा, वेस्ट टू ईस्ट अगर अर्थ घूमेगा तभी तो हमें सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, गलतियां मत करना, हमारा अर्थ कैसे घूमता है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूमता है, ये चीज ध्यान में रखना बच्चा, क्लियर है? उसके बाद अगर ध्यान में रखो तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंसिडर करने की जरूरत है और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और विंड जो है इसका जो डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंगली चेंज भी होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हवा वेस्ट की तरफ फ्लो होता है, ये जो हवा है समझ लो वेस्ट की तरफ जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगर जो हवा वेस्ट की तरफ फ्लो होता है उसको हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। और जो हवा ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसको ईस्टर्लीज कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ाया था इसके पहले का आई गेस, तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि ये ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ये नाम आपने सुना होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो विंड ब्लो होते हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ से फ्लो होते हैं, वेस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं, समझ लो यहां से आ रहे हैं, ये वेस्ट है ना हमारा, ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो वेस्ट की तरफ से अगर हवा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वेस्ट की तरफ से आ रहा है, क्रिएट कहां से हो रहा है, वेस्ट की तरफ से हो रहा है, यानी कि ये चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज बोलेंगे। और कई
कुछ हवा जो है वो ईस्ट की तरफ से निकल रहे हैं, ईस्ट की तरफ से अगर आ रहे हैं इस प्रकार, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये आज का लेक्चर का लेक्चर नंबर 1 ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो एक टाइप का विंड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। तो ये प्लैनेटरी विंड्स क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ विंड्स आल्सो, प्लैनेटरी विंड्स होते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा बात करें लोकल विंड्स होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे विंड है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ प्लैनेटरी विंड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतने सारे इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता दी आपको। तो एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग प्लैनेटरी विंड्स के बारे में। तो क्या है ये जो प्लैनेटरी विंड्स है, ये एग्जैक्टली क्या है? तो एक चीज आप जानते हैं कि कुछ विंड जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली फ्लो होते रहते हैं, और उसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग, प्लैनेट्स रोटेटिंग अराउंड द सन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और हमेशा एक चीज भी ध्यान में रखना है कि जो हवा का प्रेशर होता है, दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर बेल्ट टू लोअर प्रेशर एरिया। ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, यानी कि जहां पे हाई प्रेशर एरिया होता है वहां से वो हाई प्रेशर बेल्ट से निकलता है और लो प्रेशर एरिया में जाता है हवा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हमारा जो अर्थ है वो जब घूमता है, तो अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, और जब प्लैनेट जब घूमेगा तो कहीं ना कहीं हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट तक क्रिएट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन हमारा जो विंड है वो फ्लो होता है। एंड जब विंड फ्लो हो रहा है और वो हवा प्लैनेट के वजह से क्रिएट हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको एक चीज समझ में आ गया होगा। बेस्ट एग्जांपल है ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज क्या है, जैसे मैंने बोला कि हमारा पृथ्वी वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूमता है, समझ में आ रहा है? हमारा पृथ्वी वेस्ट से लेके ईस्ट तक क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो जब वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूम रहा है, तो वेस्ट वाली जो हवा है वो वेस्ट की तरफ से निकलेगी, समझ में आ रहा है? देखो वेस्ट वाली जो हवा है वेस्ट की तरफ से निकलेगी। तो वेस्ट की तरफ से जो हवा निकल रही है वो किसके वजह से निकली, जब अर्थ घूमा तभी तो निकल रही है ना। तो जब अर्थ घूम रहा है तभी तो वो निकल रही है, तो वो जो हवा निकल रही है वेस्ट की तरफ से उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्लीज बोल रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक प्लैनेटरी विंड्स हो गया ना। वेस्टर्लीज क्या है, एक प्लैनेटरी विंड्स है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट वो क्रिएट हो रहा है। अगर अर्थ स्थिर होता, अगर घूमता ही नहीं अर्थ, तो वो हवा निकलता क्या, वेस्टर्लीज निकलता क्या, नहीं निकल पाता। तो कहीं ना कहीं प्लैनेटरी विंड्स यानी कि वेस्टर्लीज जो है जो वेस्ट की तरफ से निकलता है वो क्या है, एक प्लैनेटरी विंड है, इसीलिए वो इसके अंदर कैटेगरी में आ जाता है। वही वेस्ट की तरफ से ईस्ट में घूम रहा है, और वही कुछ हवा ऐसा होगा जो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जा रहा होगा, यानी स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, ईस्ट से हो रहा है। तो जो हवा ईस्ट से स्टार्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज बोल रहे हैं। एंड ये ईस्टर्लीज भी कहां से आया, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट अर्थ के रोटेशन की वजह से, तो इसलिए इसको ईस्टर्लीज कहा जाता है, और ये प्लैनेटरी विंड्स के कंसिडरेशन में आ जाता है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और अगर हम लोग हेमिस्फीयर के हिसाब से बात करें कि जो विंड है जो हाई प्रेशर एरिया से निकलता है, तो लगभग ये 25 डिग्री से लेके जो 35 डिग्री तक का ये जो स्लॉट है ना, इतना यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो पोर्शन है ये आपका हाई प्रेशर एरिया का रहता है, ठीक है ना। हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हाई प्रेशर एरिया इसके बीच में रहेंगे 25 से लेके 35, यानी कि इसको मैं क्या बोलूंगा, हाई प्रेशर एरिया। यहाँ पे मैं लिखा हूं लेकिन आपको दिखेगा नहीं ठीक से, मैंने थोड़ा रफ डायग्राम बनाया हुआ है, क्लीन डायग्राम नहीं है, लेकिन आपको समझना है खाली, एकदम इसको रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है, आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाई प्रेशर एरिया कहां से है, 25 से लेके 35 तक। यहाँ पे भी 25 से लेके 35 तक, यानी कि ये जो एरिया होगा दोनों हेमिस्फीयर में, ऊपर के भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और नीचे भी साउथ हेमिस्फीयर में, तो ये सब क्या होते हैं, हाई प्रेशर एरिया होते हैं, जहां पे जो हवा है एक तरीके से जाता है। और वही आप पोल की तरफ जाओगे, ये जो पोल वाला इलाका है ना, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और नीचे का ये साउथ पोल हो गया, तो यहाँ पे क्या रहता है, लो प्रेशर एरिया रहता है। यानी कि 25 से 35 डिग्री तक आपका हाई प्रेशर होता है, और एकदम पोल के ऊपर जाओगे, पोल के आसपास वाले रीजन में जाओगे, तो वो लो प्रेशर एरिया रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार जो विंड्स है वो फ्लो होते रहते हैं ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज के हिसाब से। और दोनों हेमिस्फीयर की बात करें, जो विंड फ्लो होता है मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से लेके सब पोलर में, उसको हम लोग 60 डिग्री के आसपास बांधते हैं, यानी कि समझ लो 65 डिग्री है, यहाँ पे आसपास कहीं 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री में भी मिड लैटिट्यूडनल रीजन होता है, वहां से भी हवा जो है वो फ्लो होता है, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ और साउथ वेस्ट की तरफ जो हवा है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, और साउथ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक वो जाता है, तो वो हवा को हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, वेस्ट की तरफ से, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ से गया वेस्टर्लीज हो गया, ईस्ट की तरफ से आया तो ईस्टर्लीज हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। और दोनों ही हेमिस्फीयर में जो विंड ब्लो होता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से हिसाब से सब पोलर में, तो 55 से 65 डिग्री जो होता है, यहाँ से 55 से लेके 65 डिग्री तक का जो हवा होता है उसको पोलर विंड्स कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पोलर रीजन जो होते हैं 55 से 65 रीजन तक जो हवा फ्लो हो रहा है पोलर विंड कहते हैं, क्योंकि वो पोलर रीजन से वो विंड जो है वो निकल के आ रहा होता है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही आसानी से इजिली समझ में आ गया होगा। हाँ, डायग्राम मैंने थोड़ा सा रफ बनाया, लेकिन इट इज नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने एटलीस्ट समझ में आया होगा, इतना हमने तो बनाया, इतना भी रफ नहीं बनाया कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आपको एटलीस्ट ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताया है वो ध्यान में रखना। अगर आप उसको याद रख लेते हो जो मैंने बोला, क्या बोला अभी देखो वापस से बोलता हूं, क्या बोला मैंने कि आपका 25 से 35 डिग्री जो होता है वो हाई प्रेशर
बेल्ट होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है, वेस्ट की तरफ से जो फ्लो होता है वेस्टर्न रिलीज होता है, ईस्ट की तरफ से जो फ्लो होता है ईस्टर्न रिलीज होता है। फिर मैंने बोला 55 से लेके 65, 55 से लेके 65 तक का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पोलर विंड्स कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब ध्यान में रखना है, क्लियर है। और बाकी जो चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों इसी के साथ फिर आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हो कि पहला लेक्चर है, कोई भी चैप्टर का पहला लेक्चर मैं थोड़ा आराम से ही बनाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप चैप्टर को समझो धीरे धीरे कि किस बारे में। तो हमने इस चैप्टर का पहला लेक्चर यहाँ पे खत्म किया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज डिस्कस की कि एयर क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया क्या होता है, विंड का वेलोसिटी क्या होता है, एयर प्रेशर डिफरेंस किस प्रकार होता है, फिर कितना ज्यादा एयर प्रेशर रहेगा कितना स्पीड रहेगा, ठीक है ना। विंड मेजर किसमें करते हैं, नॉट में करते हैं, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज क्या होता है, प्लैनेटरी विंड्स क्या होते हैं, ये सभी चीज दोस्तों आज हमने डिस्कस कर लिया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो आज का लेक्चर वीडियो है ये मैं समाप्त करूंगा, और आपके लिए जल्द से जल्द लेक्चर नंबर 2 भी लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग आगे के जो विंड है, जो टाइप के विंड्स होते हैं, प्लैनेटरी विंड्स हो गया हमारा, भी लोकल विंड पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।